स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया उनके पर। जब आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अगर आपसे कह दिया जाता पाकिस्तान चले जाओ, उसमें मिर्ची क्यों लग जाती है? उसमें मिर्ची क्यों लगती है मुझे ये बताइए। ये तो इनकी फिलॉसफी है सर तन से जुदा। और ये मैं कहूँगी हमारी सरकारों ने, जो पिछली सरकारें थी विशेष करके और राज्य में जो कुछ चंद उसमें बची है, इन लोगों ने इनको सर पे बिठाया, उनके पीठ पे उनका हाथ है। देखिए ऐसा होता है जो सनातन धर्म है इसमें सहने की क्षमता बहुत है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गालियों के बाद ही शिशुपाल का जो है उसको सजा दी थी। तो हम लोगों के साथ अत्याचार होता रहा, भारत के आजाद होने से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो हम पर अत्याचार होना शुरू हुआ, यानी कि आपने धर्म के नाम पर पाकिस्तान तो बना दिया, उसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, लेकिन ये लोकतंत्र के नाम पर, धर्म निरपेक्षता के नाम पर आपने एक ऐसे समुदाय को सर्वे सर्वा बनाकर रख दिया, बाकी सबको दरकिनार रख दिया। ये कहां तक न्यायोचित था? आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक उस विशेष समुदाय को पूरी आजादी दे दी, लेकिन जो मेजोरिटी थी यहाँ की, बाहुल्य था जिस हिंदू समाज का, आपने उसके साथ क्या किया? उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया, उनके पर करों का बोझ भी ला दिया, आपने मंदिरों को भी अपनी संपत्ति बना लिया, लेकिन बाकी को नहीं। बंटवारा भी किया तो अन्यायपूर्ण तरीके से किया, बंटवारा भी सही तरीके से नहीं हुआ, यह भी आप जानते हैं। क्यों रहा कि भारत में, भारत के बाद आजादी के पश्चात मुगलों के नाम पर या अंग्रेजों के नाम पर सड़कों के नाम, इमारतों के नाम क्यों है, क्यों रखे गए? क्यों हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को उनका अधिकार नहीं मिला, उनके नाम पर क्यों नहीं रखे गए? ये मेरा प्रश्न है। देखिए मैम, किस तरीके से उदयपुर की घटना देखने को मिली, महाराष्ट्र की घटना